नालंदा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में एएसपी अभियान मुकेश कुमार के द्वारा बालू माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में माइनिंग विभाग की टीम भी शामिल थी। कार्रवाई के दौरान एएसपी अभियान मुकेश कुमार के द्वारा पावापुरी थाना क्षेत्र इलाके से अवैध तरीके से बिना चालान के 4 वाहन, लहेरी व बिहार थाना इलाके से 2-2 वाहन को जब्त किया गया। इसके साथ अवैध तरीके से बालू ढुलाई में शामिल 3 चालक को भी गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में एएसपी अभियान मुकेश कुमार ने बताया कि पूरे जिले में बालू माफिया अवैध तरीके से बालू की ढुलाई कर रहे हैं, हालांकि पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। आज की कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गई है। आज बिहार थाना में 2, लहरी थाना में 2 और पावापुरी थाना में 4 बिना चालान के गाड़ी चला रहे थे ये लोग। ट्रैक्टर में बालू और ट्रक जो पकड़ाया है पावापुरी में उसमें गिट्टी है। इस पे IPC धारा के अंतर्गत चोरी का इल्ज़ाम होगा और माइनिंग एक्ट के तहत रूल 56 के अगेंस्ट इस पे फाइन होगा। टीम में ASP अभियान और इनके फोर्स और माइनिंग की तरफ से मॉनिटर कर रहे थे।